For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss a video from Bollywood Spy. सलमान खान इन दिनों अपनी फिल्म रेस 3 के चलते काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं। रेस फ्रेंचाइजी की ये तीसरी इंस्टॉलमेंट पहली दो इंस्टॉलमेंट से काफी अलग होगी। रेस 3 में सबसे बड़ा बदलाव इसके कास्ट में दिखाई देगा। सैफ अली खान, जो इस फ्रेंचाइजी का एक अहम हिस्सा थे, अब रेस 3 में नहीं होंगे। उनकी जगह ली है सलमान खान ने। बात की जाए फिल्म के कास्ट की, काफी लोगों ने इस फिल्म को रिजेक्ट कर दिया था। उनमें से एक थे इमरान हाशमी। बता दें, बॉबी देओल को रेस 3 में जिस रोल के लिए साइन किया गया है, दरअसल पहले उस रोल के लिए इमरान हाशमी को अप्रोच किया गया था। लेकिन जैसे ही इमरान को पता चला कि फिल्म में उनके ऑपोजिट डेजी शाह होंगी, उन्होंने इस ऑफर को तुरंत रिजेक्ट कर दिया। और क्योंकि ये फिल्म डेजी को सलमान के कहने पर मिली है, कोई कुछ नहीं कर सकता। आफ्टर ऑल, भाईजान का कहा टालकर उनकी बैड बुक्स में कौन आना चाहेगा। बात की जाए इस फिल्म की, रेमो डिसूजा के निर्देशन में बन रही ये फिल्म 2018 में रिलीज होगी। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। और भी मसालेदार फिल्मी गॉसिप के लिए देखते रहिए बॉलीवुड स्पाई।